सो हे गाइज़ वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल आइडोलॉजिकल वन डेस्टिनेशन फ़ॉर ऑल इन्फॉर्मेशन सो गाइज़ फाइनली अब हम हाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं अपनी धमाकेदार मज़ेदार और सबसे ईजी वे में एक्सप्लेनेशन वीडियो क्लास एट सोशल स्टडीज़ का चैप्टर नंबर वन हिस्ट्री जो कि आपके नज़रों के सामने है इस तरीके की हम यहाँ पे अपनी इस वीडियो से सीरीज़ स्टार्ट करेंगे क्लास एट सोशल स्टडीज़ की जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत 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 ही ज़्यादा फायदेमंद होने वाली है इसी के साथ साथ सिर्फ सोशल स्टडीज़ नहीं बल्कि साइंस भी मैथ्स भी और इसी के साथ साथ जितने भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं आपके क्लास एट्स के वो भी हम स्टार्ट करने वाले हैं इसके साथ साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा इस तरीके की अपडेट्स आपको रेगुलर अपडेट्स और एजुकेशन वीडियोज़ मिलती रहेंगी तो क्या जैसे कि मैंने आपको बताया कि क्लास एट की जो सोशल स्टडीज़ के चैप्टर सीरीज़ हैं वो हम स्टार्ट करने वाले हैं और इसमें इंपॉर्टेंट बात जो आपको ध्यान रखने वाली वो ये है कि हम बहुत इंटरेस्टिंग वे में इसको कवर करेंगे आपको मैं ये प्रॉमिस करता हूं कि पूरी वीडियो में आप जो है ना बोरियत फील करेंगे और आपको ईजी वे में आराम से सारी चीजें समझ में भी आएंगी बस शर्त यह है कि आप इतमान से कोने में बैठ के इस वीडियो को आराम से देखिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आए तो सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे सोशल स्टडीज की जिसमें आपके चुनिंदा कुछ डिवीजन है सब्जेक्ट के और ज्यादा जैसे कुछ हिस्ट्री है फिर उसके बाद जोग्राफी है सब डिवीजन इसको हम कह सकते हैं देन उसके बाद जिसको हम सिविक्स भी कहते हैं पोल्टी साइंस भी कहते हैं कई जगह तो ये आपके डिविजन हैं सब्जेक्ट्स के सोशल स्टडीज के अंदर तो सबसे पहले हम इसमें सी बातें स्टार्ट करने वाले हैं हिस्ट्री का ठीक है तो हिस्ट्री का जैसे कि आपके स्क्रीन के सामने है हमारा पहला चैप्टर जिसका नाम है हाउ यानी कैसे वेन यानी कब वेयर यानी कहाँ पर ठीक है अब ये जो आपका नाम है चैप्टर का ये थोड़ा अटपटा लग रहा होगा अब इसको हमें कॉन्टेक्स्ट पता करना पड़ेगा कि ये किस कॉन्टेक्स्ट में यानी किस कड़ी में ये बात की गई है हाउ वेन एंड वेयर जाह सी बात है हम यार हिस्ट्री पढ़ रहे हैं ठीक है तो हिस्ट्री अगर हम पढ़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से ही बात होगी यानी कि ये पूछ रहा है कि कैसे कब कहाँ यानी ये बात कर रहा है इतिहास के बारे में कि कैसे चीज़ों की शुरुआत हुई कब हुई कहाँ से हुई अब वो चीज़ें क्या है चलिए वो देख लेते हैं अच्छा एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट है वो ये कि यार जब भी हम इतिहास की बात करते हैं या हिस्ट्री की बात करते हैं तो हमारे मन में तारीखें आती हैं तारीखें यानी डेट्स ठीक है जो तो आज की दिन तारीख़ है कल ये वाली डेट्स खजूर वाली नहीं तो ये डेट्स हैं ये इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्यों हैं पहला सवाल आपके माइंड में आना चाहिए और दूसरी चीज़ ये कि यार हिस्ट्री जो है ना वो सिर्फ डेट्स के बारे में है मतलब डेट्स याद करो मेमोराइजेशन के बारे में और कुछ है ही नहीं तो ये जो है काफ़ी ज़्यादा लोगों के माइंड में ये चीज़ें हैं और रहनी भी चाहिए बिकॉज जब हम अपेडली देखते हैं ऊपर ऊपर से देखते हैं जाहिररी देखते हैं तो भाई हमें यही दिखता है कि ये जो हिस्ट्री है वो सिनोनिमस है यानी कि एक पर्यावाची एक तरीके से शब्द है डेट्स का बट ऐसा नहीं है कि हिस्ट्री का आप कह सकते हैं जब आप इसको पढ़ेंगे क्योंकि आप जाहसी बात है अब आप शुरू कर रहे हैं हिस्ट्री अपनी तो आप जब पढ़ेंगे आपको इंटरेस्टिंग भी लगेगा और आपको समझ में भी आएगा कि नहीं यार सिर्फ डेट्स नहीं बल्कि जो है यहाँ पे हमें यह भी देखने को मिलेगा कि कैसे चीजें बदली कैसे हालात बदले कौन कौन से किस्से हुए अब जैसे मिसाल के तौर पर एक ही चीज ले लीजिए कि जब हम हिस्ट्री की बात करते हैं तो सीनरी टाइप में अगर आप देखें तो आपके माइंड में क्या आता है खुद सोच के देखिए यही आता है ना कि बैटल्स हैं वॉर्स हैं किंग्स हैं

यहाँ पे ट्विस्ट है सिर्फ यही नहीं है जो आपके माइंड में ये सीन आया कि भाई इतिहास सिर्फ यही है ना इसके अलावा भी कई सारी चीज़ें हैं वो ये हैं गाइस कि अब जो है हिस्टोरियंस इसके आगे भी देखते हैं कि ये हुआ क्यों पहली चीज़ कैसे हुआ क्योंकि अब तो हमने जान लिया कि भाई कब हुआ तो ये तो सिंपल सी चीज़ है डेट्स और डेट्स के आगे भी कई सारी चीज़ें हैं जो हमें देखनी चाहिए वो मैंने आपको बताया अब यहाँ पर सवाल ये है कि हिस्टोरियंस ये भी देखते हैं कि कैसे हुआ और क्यों हुआ अब इसे जाहिर हो गया कि भाई हिस्ट्री सिर्फ इसके बारे में नहीं है कि कब हिस्ट्री इसके बारे में भी है कि कैसे और क्यों ठीक है चलिए उम्मीद है मुझे ये जो एक्सपेक्ट है आपको समझ में आ गया होगा अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पे कि कौन सी डेट्स यानी कौन सी डेट्स इंपॉर्टेंट होती है और ख़ास तौर पर हम डेट्स को ही क्यों सिलेक्ट करके हिस्ट्री को प्रेजेंट करते हैं तो भाई ये तो जाहिर सी बात है और आपके भी आसानी से समझ में आ जाएगी ये चीज़ कि देखिए जो डेट्स हम सिलेक्ट करते हैं ना मिसाल के तौर पर अठारह यानी 1857 का जो विद्रोह हुआ था उससे पहले अगर आप चले जाएं तो बहुत ऊपर भी जा सकते हैं एलेवन हंड्रेड ट्वेल्थ हंड्रेड टेंथ सेंचुरी एट सेंचुरी या कोई पार्टिकुलर डेट भी ले सकते हैं तो यार देखो अगर हम कोई डेट ले रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो डेट इंपॉर्टेंट है बल्कि ये इंपॉर्टेंट है कि उस डेट को हुआ क्या था यानी कि उस डेट में या उस दिन में कौन सा पार्टिकुलर सेट ऑफ इवेंट्स हुए थे जो इंपॉर्टेंट हैं समझ रहे हो तो यानी कि हमारा फोकस ऑफ स्टडी चेंज होता है इसके अकॉर्डिंग और फिर उस डेट्स की हेल्प से हम उस पार्टिकुलर इवेंट को जो ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है डेट से उसको समझने की कोशिश करते हैं चलिए ये तो हो गया भाई समझ में आ गई ये चीज़ आपकी अब आगे बढ़ते हैं अब इसको हम पीरियोडाइज कैसे करते हैं यानी कि हम कैसे इसको कैटेगराइज करें कैसे इसका क्लासिफिकेशन करें कि भाई हमें आसानी से समझ में आए तो देखिए हिस्ट्री को कई लोगों ने अलग अलग लोगों ने अलग तरीके से क्लासीफाई कर रखा है अब जैसे अगर हम बात करें ब्रिटिश क्लासीफिकेशन की यानी ब्रिटिशर्स के ऑथर्स ने जो डिवीजन किया है या जो क्लासीफिकेशन किया है समझने के लिए वो कैसे किया

मुगल्स के आने से पहले या दिल्ली सल्तनत की एडवेंट से पहले उसकी शुरुआत से पहले और दिल्ली सल्तनत और मुग़ल सल्तनत या मुग़ल एम्पायर के टाइम पीरियड में मुस्लिम का पीरियड और उसके बाद ब्रिटिशर्स ने आके कॉलोनाइज़ कर लिया था यानी ब्रिटिशर्स का कब्ज़ा हो गया था अब यहाँ पे इसने जो है ये रिलीजनस के पॉइंट ऑफ व्यू से किया इसमें एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है कि ये काफ़ी बायस था जेम्स मिल जा बात है ब्रिटिशर्स है तो बायस है क्योंकि वो आपको अगली पॉइंट में समझ में आ जाएगा मिल के अकॉर्डिंग कि भाई जितनी भी एशियन सोसाइटीज़ हैं वो जो है लोअर लेवल ऑफ सिविलाइजेशन है यानी हमसे कम सभ्यता उनके पास है कम सिविलाइज हैं मतलब कमतर लोग हैं वो हमसे ज्यादा सिविलाइज नहीं है ये जेम्स मिल का कहना था तो जैसी बात है आपको यहाँ पे इसका जो डिवीजन है रिलीजियस वाइज या आप कह सकते हैं लोगों के बिलीफ के अकॉर्डिंग वो उसका भी पॉइंट ऑफ व्यू समझ में आ गया होगा क्योंकि डिवाइड एंड पॉलिसी का उस टाइम के जो ब्रिटिशर्स थे उनका रूल था ठीक है तो ये तो हो गया भाई ब्रिटिश क्लासिफिकेशन अब देखते हैं कि ओवरऑल क्या क्लासिफिकेशन है या अनदर क्लासिफिकेशन क्या है तो देखिए जो दूसरी क्लासिफिकेशन है ये उम्मीद है मुझे कई सारे स्टूडेंट्स ने पहले से ही सुना होगा तो जो नॉर्मली अनदर क्लासिफिकेशन है वो इस तरीके से है पहला है हमारा एनशियट फिर उसके बाद सेकेंड कैटेगरी है मेडिवल फिर उसके बाद है मॉडर्न हिस्ट्री यानी इन तीनों क्लासिफिकेशन में जो हमारी पूरी इंडियन हिस्ट्री है उसको डिवाइड किया गया है अब सवाल यहाँ पे उठता है कि यार ये तो बढ़िया है मतलब एंशियंट हिस्ट्री पुराना वाला बहुत जो पुराना टाइम का चलता था महाभारत से और बाकी हिस्टोरिकल पर्स्पेक्टिव्स के अकॉर्डिंग देखें तो देन उसके बाद मिडीवल यानी कि फिर राजा महाराजा वाला देन उसके बाद मॉडर्न यानी ब्रिटिशर्स वाला और फिर उसके बाद इंडिपेंडेंस हुआ देन उसके बाद लीडर्स वगैरह वो सामने उभर कर आए काफ़ी सारी कंट्री डेवलपिंग कंट्री डेमोक्रेटाइज हुई डेमोक्रेसी आई वहाँ पर ये मॉडर्न हिस्ट्री में हमारा आ गया लेकिन गाइज इसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स थी जो मैं समझता हूँ मेरी ओपिनियन में भी काफ़ी लेजिट हैं हर जगह आपको देखिए प्रोजन एंड कॉन्स मिलेगा लेकिन ये तो भाई तय है कि ब्रिटिश क्लासिफिकेशन से ये वाला अच्छा क्लासिफिकेशन है ठीक है कम से कम वो रिलीजियस वाइज तो नहीं है ना ही कॉन्ट्रोवर्शियल है कि भाई ये सिविलाइज नहीं थे या ऐसा कुछ ठीक है ये उससे बेहतर है बट इसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो आपको एग्जामिनेशन में भी इंक्लूड करने में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा पहला पॉइंट ये है इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये जो पीरियडाइजेशन है ना ये कहा जाता है कि भाई ये वेस्टर्न लोगों से लिया गया है ठीक है जहाँ पे मॉडर्न पीरियड को एसोसिएट किया गया है कि भाई जो मॉडर्न पीरियड है वो ब्रिटिशर्स के लिए काफ़ी प्रोग्रेसिव रहा है क्योंकि वही लोग जो थे वो साइंस को उन्होंने डेवलप किया रीज़न लॉजिक वही सब लाए थे डेमोक्रेसी भी उन्हीं की वजह से आई थी लिबर्टी इक्वालिटी जो हमें आज देखने को मिलती है वो सारा कुछ जो है क्रेडिट उनको जाता है लेकिन ये बात मेरे अकॉर्डिंग यार कहीं सही नहीं है बिकॉज़ अगर आप देखें तो हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में भी आर्यभट्ट हो गए इसके अलावा काफ़ी सारे साइंटिस्ट थे गोल्डन इस्लामिक uh, या मुस्लिम पीरियड कहा जाता है यूनान जो वहाँ से यूनानी निकला वहाँ से भी कई सारे लोगों ने केमिस्ट्री वगैरह के कॉन्सेप्ट निकाले ब्रिटिशर्स से पहले और यही चीज़ अब आप आगे चल के पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा गाइज कि यूरोपियंस ने और ब्रिटिशर्स ने बाद में मुस्लिम्स के टाइम पर मुस्लिम्स के एम्पायर में और uh, जो है यहाँ पे हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जितनी भी रिसोर्सेज मिले उनको ट्रांसलेट करके अपना क्रेडिट ले लिया है बाद में उसको आगे चल के हालांकि ये तो हम कह सकते हैं कि उनको आगे चल के उन्होंने डेवलप किया अच्छे से और फिर बाद में उसको फर्निश किया या हम कह सकते हैं उसको फिल्टर आउट करके और अच्छे से प्रेजेंट किया हालांकि बेसिक्स तो हमारे इंडियन सब और बाकी चीज़ों से मिला है जो कि आपको हिस्ट्री में कहीं देखने को नहीं मिलेगा तो यहाँ इससे यह जाहिर हो गया कि भाई उन्होंने काफी इन्फ्लुएंस किया है यहाँ तक कि हमारी हिस्ट्री में भी ये चीज़ हमें ज्यादा देखने को नहीं मिला क्योंकि इन लोगों ने काफी अच्छे से उसको इन्फ्लुएंस किया है अब ये जो कॉन्सेप्ट है वेस्टर्न से लिया गया है तो जाहिर सी बात है इसमें इन लोगों का इन्फ्लुएंस रहेगा यानी ये जो क्लासिफिकेशन इन्होंने की उसमें इन लोगों का इन्फ्लुएंस हमें देखने को ही मिलेगा मिडिवल इसमें दू, दूसरी प्रॉब्लम वो ये है कि मेडिवल एक टर्म था वो उस टाइप की सोसाइटी को डिस्क्राइब करने के लिए था इनके अकॉर्डिंग जहाँ जो मॉडर्न सोसाइटी से कमतर है यानी जहाँ पर मॉडर्न सोसाइटी एग्जिस्ट नहीं करती क्योंकि आज भी आप देखेंगे तो भाई अगर कोई नाम लेता है इस लफ्ज़ का मॉडर्न तो इससे क्या जाहिर होता है डेवलपमेंट विकास प्रगति तो एक तरीके से एक नोशन बन गया धारणा बन गई लोगों की कि मेडिवल है तो पुराना धुराना अपना वही सिस्टम है कोई प्रोग्रेस नहीं है मॉडर्न है तो भाई मॉडर्न सोसाइटी जहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करती तो मिडिवल वो हो गया जहाँ पे मॉडर्न सोसाइटी एग्जिस्ट नहीं करती तो ये जो दो, दोनों दोनों प्रॉब्लम है इसके साथ लिंक है ये आपको ज़रूर याद रखनी है इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो कई सारे हिस्टोरियंस ने गाई ब्रिटिश रूल को कॉलोनियल पीरियड भी जो है डेजिग्नेट करते हैं या इसको कॉलोनियल पीरियड कहते हैं कॉलोनियल उसे कहते हैं कि जहाँ पर एक जो कंट्री है ठीक है जैसे मान लीजिए ब्रिटिश जैसे मान लीजिए ब्रिटिशर्स इस कॉन्टेक्स में उन्होंने क्या किया इंडिया को कॉलोनाइज़ कर दिया इसका मतलब एक पावर दूसरी कंट्री लेस डेवलपिंग कंट्री के ऊपर अपना सारे रिसोर्स के ऊपर कब्जा कर लेती है ठीक है तो उसको हम कॉलोनाइज़ कहते हैं वो गवर्न करती है तो उसको हम कॉलोनाइजेशन कहते हैं पूरे प्रोसेस को तो उसमें होता क्या है उसमें ये होता है कि भाई लोगों के पास अधिकार नहीं होते कोई राइट्स नहीं होता कोई इक्वालिटी नहीं होता कोई आज़ादी नहीं होती कोई लिबर्टी नहीं होती ठीक है और इसी के साथ साथ कोई इकोनॉमिक ग्रोथ या कोई प्रोग्रेस उन्हें देखने को नहीं मिलता क्योंकि हो क्या रहा था एक्सप्लॉटेशन हो रही थी ना है ना मतलब शोषण हो रहा था रिसोर्सेज क्या कर रहे थे ब्रिटिशर्स इंडिया से उठा रहे थे सस्ते पे और अपना ब्रिटिश में जाके उसको मैन्युफैक्चर करके महंगे में बेच रहे थे तो एक तरीके से एक्सप्लॉटेशन हो गई तो कोलोनाइजेशन को इसी तरीके से डेजिनेट किया था तो ये भी आपको जरूर याद रखना है काफ़ी छोटी चीज़ है लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है है ना देन उसके बाद सवाल ये उठाना चाहिए आपके माइंड में कि भाई भैया आपने ये तो बता दिया कि डेट्स क्यों इम्पोर्टेंट है ये आपने बता दिया कि उसको हम क्यों जो है याद रखते हैं क्यों इतने इवेंट्स इंपॉर्टेंट हैं कैसे हम उसको क्लासिफाई कर सकते हैं कैसे हम उसको समझ सकते हैं लेकिन ये बताइए हमें कि हमें कैसे पता चलता है कि भाई हिस्ट्री में ये हुआ अभी मैं यहाँ पे हूँ ट्वेंटी ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी में ठीक है तो मुझे कैसे पता चलेगा या मुझे कैसे पता चला तो भाई जैसी बात है एक बात तो आप मेरी मान सकते हैं कि ये सारी चीज़ें हमें हिस्टोरियंस से पता चली अब चलिए देखते हैं कि हिस्टोरियंस क्या कहते हैं कि उन्हें कैसे पता चली तो हिस्टोरियंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर कई सारे रिसोर्सेज थे राइटिंग में ठीक है मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया के बारे में और उससे पहले भी आप कह सकते हैं लगभग पिछले ढाई सौ साल तक जो इंडियन हिस्ट्री में हमें मिले हैं अब पहला मैं रिसोर्सेज आपको बताने जा रहा हूं तो ध्यान पूर्वक सुन लीजिएगा इसको आप नोट no डाउन भी कर सकते हैं ठीक है पहला है एडमिनिस्ट्रेशन प्रोड्यूस रिकॉर्ड्स यानी होता क्या था कि ब्रिटिशर्स का चलिए एग्जांपल ले लीजिए कि हम वहां से हिस्ट्री कैसे ले रहे हैं हिस्टोरियंस तो वहां से हिस्टोरियंस ने ऐसे निकाला कि उस टाइम पे जो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स होते थे ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के वो बहुत इंपॉर्टेंट सोर्सेज माने जाते हैं क्योंकि एक एक इंस्ट्रक्शन एक एक पॉलिसी डिसीजन एक एक एग्रीमेंट एक एक इन्वेस्टिगेशन ब्रिटिश को ये लगता था कि सबको एक लिखित में करना जरूरी है ताकि एक रिकॉर्ड हमारा बना रहे जो सही बात है तो उससे यहाँ पे स्टूडेंट्स को हेल्प मिल गई बाद में है ना देन उसके बाद ब्रिटिशर्स ने एक इंपॉर्टेंट चीज़ क्या की थी कि इन्होंने रिकॉर्ड्स रूम भी बनाने शुरू कर दिए थे रिकॉर्ड्स रूम एक तरीके से आप कह सकते हैं सेंटर बना दिया ठीक है जहां पर क्या होता था कि सारे एडमिनिस्ट्रेशन के प्रशासन के जितने भी काम होते हैं वहीं रिकॉर्ड रूम में आके सारे डॉक्यूमेंट्स केयरफुली प्रिजर्व किए जाते थे सुरक्षित रखे जाते थे तो इस वजह से हमें जो है एडमिनिस्ट्रेशन प्रोड्यूज रिकॉर्ड्स मिल गए क्योंकि वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट सोर्स हैं हिस्ट्री को जानने के लिए अब जो दूसरा सोर्स है ठीक है दूसरा सोर्स आ गया दूसरा है सर्वे सर्वे आपने पहले भी गाइस सुना होगा आज भी होता रहता है तो सर्वे उस टाइम पे भी होता था और वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ब्रिटिश को ये लगता था कि एक कंट्री को अगर आपको इफेक्टिवली एडमिनिस्टर करना है वहाँ पे अच्छे से प्रशासन चलाना है तो भाई आपको पता होना चाहिए उसके बारे में यानी अगर आप कोई चीज़ इस्तेमाल करने जा रहे हैं ये हर चीज़ पे अप्लाई होता है कि भाई अगर आप कोई चीज़ इस्तेमाल करने जाते हैं तो आपको उसकी सारी चीज़ें पता होनी चाहिए सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए बंदा तभी उसको एग्जीक्यूट कर पाता है किसी भी चीज़ में हर चीज़ में अप्लाई होगा सेम कंट्री के ऊपर भी यही अप्लाई होता है कि भाई अगर आपको उसको एडमिनिस्टर करना है तो उसके बारे में पता होना चाहिए डेफोर जो एक प्रैक्टिस थी सर्वे करने की वो कॉमन हो गई कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन में अर्ली नाइनटीन सेंचुरी में गाइस डिटेल सर्वे होने लगे थे ताकि पूरी कंट्री को मैप किया जा सके देन उसके बाद विलेजेस की अगर हम बात करें तो विलेजेस में रेवेन्यू सर्वेज होते थे कलेक्टर वगैरह जो आज भी हमें देखने को मिलते हैं तो वो कॉन्सेप्ट हमारा वहीं से निकल के आ रहा है सिविल सर्विसेज का जो ब्रिटिश ने इंट्रोड्यूस किया था तो वहां पर रेवेन्यू सर्वेज होते थे ताकि टोपोग्राफी के बारे में पता चले सॉयल की क्वालिटी के बारे में पता चले फ्लोरा एंड फोना के बारे में पता चले प्लांट्स एनिमल्स के बारे में वहां की लोकल हिस्ट्री भी इससे हमें पता चल जाती थी खास तौर पर क्रॉपिंग पैटर्न भी तो कुल मिला पूरा ए टू जेड हमें विलेजेस से भी मिल जाएगी इंफॉर्मेशन देन उसके बाद आगे क्या चलते चलते फ्रॉम द एंड ऑफ 19th सेंचुरी यानी 19th सेंचुरी के खत्म होते होते सेंसस इंट्रोड्यूस हुआ सेंसस जो आज भी चलता है जी हाँ, आपने सुना होगा कई सारे लोगों को पता भी होगा सेंसस ऑपरेशन हर 10 साल में होता है कितने साल में हर 10 साल में होता है ये क्या होता है कि इसमें डिटेल रिकॉर्ड्स होते हैं कि भाई पूरे कितने मेल्स हैं कितने फीमेल्स हैं कितने एक स्टेट वाइज एक डिस्ट्रिक्ट वाइज पूरे कंट्री वाइज यानी पूरी कैलकुलेशन होती है एज से लेकर रिलीजन से लेकर क्या काम करते हैं लोग ऑक्यूपेशन क्या है कास्ट क्या है कंप्लीट इंफॉर्मेशन होती है उसको पूरा सेंसस कहते हैं इसके अलावा भी कई सारे हमारे सर्वेज होते थे जैसे बोटैनिकल सर्वे हो गया जूलॉजिकल सर्वे हो गया ये स्पेसिफिक होता है आर्कोलॉजिकल सर्वे हो गया एंथ्रोपोलॉजिकल हो गया फॉरेस्ट सर्वेज हो गया ये सारे सर्वेज भी इसके साथ साथ चलते थे सेंसस उसमें मेन था क्योंकि उसमें ज़्यादा डिटेल रिकॉर्ड होता है और आज भी प्रेजेंट में भी ये कॉन्सेप्ट हमारा लागू हो रहा है तो ये भी एक हमारा इंपॉर्टेंट रिसोर्स था एक हिस्टोरिकल रिसोर्स के तौर पर अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि कई सारी चीज़ें भाई ऐसी हैं जो ऑफिशियल रिकॉर्ड हमें नहीं बताते क्योंकि आपके मन में भी ये डाउट आया होगा ना कि भाई चले ठीक है ब्रिटिशर्स कॉलोनाइज थे उन, उन्होंने हमें कोई अधिकार नहीं दिया कोई फ्रीडम नहीं दिया कोई लिबर्टी नहीं दी गई तो भाई जाहसी बात है कि वो जो भी शोषण करेंगे या जो भी एक्सप्लोटेशन उन्होंने किया था वो तो वो छुपा लेंगे ऑफिशियल रिकॉर्ड में वो बताएंगे नहीं है ना लिखित में कौन बताएगा अपनी चीज़ें तो हमें ये कौन कौन सी चीज़ें हैं जो ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं बताता तो देखिए ऑफिशियल रिकॉर्ड सबसे पहले हमें ये नहीं बताता कि उस टाइम पे कंट्री की रियल सिचुएशन क्या थी कंट्री के लोगों को क्या लगता था और क्या क्या चीज़ें उसके पीछे होती थी ठीक है तो इसके लिए हमें कहाँ भरना पड़ेगा अनऑफिशियल रिकॉर्ड्स की तरफ जी हाँ बिल्कुल सही कहा आपने हमें भरना पड़ेगा यहाँ पे अनऑफिशियल रिकॉर्ड्स की तरफ अब हमें कहाँ से मिलेंगे तो सबसे पहला जो रिसोर्स है हमारा है अनऑफिशियल रिकॉर्ड का वो है डायरीज ऑफ पीपल यानी लोगों की डायरीज में दूसरा है अकाउंट्स ऑफ पिलग्रीम्स एंड ट्रैवलर्स आपने देखा होगा कई सारे लोग ऐसे थे जो तीर्थ यात्रा पुराने टाइम पर आज भी ट्रैवल के अकाउंट्स वगैरह लिखते हैं अगर आप बाहर जाएंगे इंटरनेशनल लेवल पर हिस्ट्री में तो इब्ने बतूता एक बहुत फेमस थे यूरोपियन वो लिखते रहते थे जहाँ जहाँ भी घूम के जाते थे तो उन सबके जो लिखे हुए अकाउंट्स हैं वो आज भी हमें काम आते हैं एक हिस्टोरिकल सोर्स के तौर पे अनऑफिशियल रिकॉर्ड्स में देन उसके बाद कई सारी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ ने अपनी ऑटोबायोग्राफीज़ लिखी थी वो भी काम आती है देन उसके बाद लोकल बाजार में जो पॉपुलर बुकलेट्स बसती मतलब बिकती थी या रहती थी वो भी काम आती है जानने में न्यूज़पेपर काफ़ी इंपॉर्टेंट है लीडर्स और रिफॉर्मर्स के रिटर्न आइडियाज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है पोएट्स और नॉवलिस उस टाइम पे जो थे जिनकी कविताएं आज भी हम लिटरेचर में अपने पढ़ते हैं उनके रिटर्न रिकॉर्ड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो ये सारा आपका पूरा का पूरा अनऑफिशियल रिकॉर्ड्स में आता है लेकिन यहाँ पर भी इसकी कुछ ना कुछ कमी पेशी है एक दो वो मैं आपको बताऊँगा पहली चीज़ तो ये कि भाई ये जो अनऑफिशियल रिकॉर्ड्स हैं ना ये लिटरेट लोगों लोगों के द्वारा प्रोड्यूस किए जाते थे यानी पढ़े लिखे लोग अब देख लीजिए ना भाई डायरी कौन लिखेगा पढ़ा लिखा हो जो होगा प्लीग्रिम्स के ट्रैवलर्स के अकाउंट्स कौन लिखेगा जो पढ़ा लिखा होगा पॉपुलर बुकलेट्स कौन लिखेगा जो पढ़ा न्यूज़पेपर रिटर्न ऐसी सारी चीज़ें जो पढ़े लिखे लोग होंगे अब मैं ये क्यों कह रहा हूँ क्योंकि ये आपका लास्ट पॉइंट में ये मैंने बात बताई हुई है कि इससे हमें ये समझ में आ गया कि भाई हमें ये तो समझ में आ जाएगा कि भाई कमियाँ क्या थी पेश इसके कमियाँ पेशी क्या थी ब्रिटिशर्स क्या छुपाना चाह रहे थे लेकिन और भी हमें रियल ग्राउंड अगर हम देखें तो ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर तौर पर हमें ग्राउंड लेवल की सिचुएशन नहीं पता हो पा रही थी क्योंकि इसमें इंक्लूडेड कौन है इसमें पीजेंट्स भी हैं यानी किसान भी है आदिवासी ट्राइबल्स भी हैं वो लोग भी हैं जो इलिटरेट थे उनकी भी तो ओपिनियंस होते हैं अब विलेजर्स में ज़्यादातर लोग इलिटरेट होते हैं तो वहाँ की तो हमें जो उनके रिवेन्यू रिकॉर्ड थे उसके अलावा तो कोई हमारे पास सोर्स ही नहीं बचा सही है ना तो इस तरीके की हम देखें तो ये भी यार एक हमारा कह सकते हैं एक नेगेटिव पॉइंट है अनऑफिशियल रिकॉर्ड्स का और माइंस के वर्कर्स भी थे जो स्ट्रीट्स में पुअर लोग रहते हैं उनकी क्या सिचुएशन थी उनके बारे में क्या था कुछ नहीं था हाँ लेकिन आप एक काउंटर आर्गूमेंट्स के तौर पर हम ये कह सकते हैं कि भाई जो लिटरेट लोग थे यानी जो पढ़े लिखे लोग थे हो सकता है उन्होंने जो हमारे इंडियंस ही थे हो सकता है उन्होंने अनऑफिशियल रिकॉर्ड्स में लिखा हो जैसे हमारी रविन्द्रनाथ टैगोर साहब की कई सारी कविताएं हैं तो देखिए वो कुछ एक्सेप्शन हैं जिनकी बुनियाद पर हम कह सकते हैं लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो अनऑफिशियल रिकॉर्ड्स का ये पूरा का पूरा हमें लिमिटेशन साफ़ साफ नज़र आता है तो उम्मीद है कि भाई ये जो आपका पूरा चीज़ है कि भाई क्यों ऑफिशियल रिकॉर्ड्स क्या हमें नहीं बताते और कौन कौन सी उनकी लिमिटेशन है तो ये पूरा हमारा आप कह सकते हैं पूरा हिस्ट्री का लेखा जो का हमारा चैप्टर वन है और ये जस्ट एक टीज़र था ट्रेलर था इसमें आगे अभी हम इस फिल्म में और आगे बढ़ेंगे और आपको इंटरेस्टिंग वे में आगे वाले चैप्टर्स भी समझाने वाले हैं छोटी सी पूरी सी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैंने जितनी कोशिश की पूरा का पूरा जितने भी एक्सपेक्ट थे आप इसके चैप्टर का एन के अकॉर्डिंग सी के अकॉर्डिंग वो मैंने कवर कर लिया है अगर आपके अभी भी माइंड में कोई सवाल रह गया हो तो यार ज़रूर 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 कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दूंगा विद फुल एक्सप्लेनेशन इसके साथ साथ अगर आप कोई रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कोई फीडबैक देना चाहते हैं तो वो भी ज़रूर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा इस वीडियो को लाइक कीजिएगा ताकि हमारा हमें मोटिवेशन मिले और ऐसे ही हम आपके लिए वीडियो लेक्चर्स लाते रहें मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में टिल देन टेक केयर थैंक्स फॉर वॉचिंग